चंदनगढ़ी प्रखंड के नापित डी गांव के ग्रामीणों ने अगले चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। पहुंच पथ की समस्या से परेशान गांव वालों ने सड़क न बनने की हालत में सामूहिक रूप से गांव छोड़ने की भी बात कही है। वोट बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। चंदनकियारी प्रखंड के इस गांव का नाम है नापित डी, जो दामोडी पंचायत में आता है। इस गांव में हजारों की संख्या में ग्रामीण निवास करते हैं, लेकिन आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव को पहुंच पथ यानी सड़क नहीं मिल पाई है। ग्रामीण कहते हैं कि बरसात की बात तो दूर, गांव में गर्मी के मौसम में भी आना जाना मुश्किल हो जाता है। 1947 में जैसे देश स्वाधीन हुआ, लेकिन आज तक हम लोगों का कुछ स्वाधीन किया कोई प्रभाव नहीं हुआ है। कोई डिलीवरी होता है या किसी को सीरियस होता है तो कोई गाड़ी है हमारा नहीं घुसता है। कोई मेहमान लोग नया वाला आता है वो गाड़ी लेके यहाँ घुसता नहीं, किसी तरह से घुस जाता है तो हमको इनकार करके चला जाता है, हमारा साथ संबंध करने नहीं जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड चाहिए, हम लोग का रोड चाहिए, पानी चाहिए। लड़का भी लड़की भी स्कूल जाने आने से कुछ नहीं। किस तरह का तकलीफ हो रहा है? लड़का लड़की जो स्कूल जा रही है उन लोग, रास्ता भी रोड नहीं होना चाहिए। रोड होना चाहिए, रोड होना चाहिए, रोड नहीं है, रोड नहीं है, रोड नहीं है। ग्रामीणों ने सड़क बनाने के लिए कई अधिकारियों और नेताओं से फरियाद की, लेकिन उनकी फरियाद का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि अगले चुनाव में वे वोट का बहिष्कार करेंगे, और यदि तब भी सड़क पर बात नहीं बनी तो वे सामूहिक रूप से गांव को छोड़ देंगे। क्या रास्ता नहीं क्यों? रास्ता गाड़ी ऐसा नहीं, गाड़ी साधन नहीं, चला असुविधा हो जाता, चला स्कूल जाते पाछे नहीं। तो तुम लोग केमन करे बाहर भीतर हो? बाहर भीतर हो रखो मो को तो असुविधा हो छे। हम लोग जाते से रोड बने, मेन रोड से जोड़ा जाए। ग्रामीणों को क्या असुविधा हो रही है? रोड के लिए पानी के लिए दिक्कत हो रही है, बाहर आने जाने के लिए, बीमारी आने जाने के लिए कितना दिक्कत है। यहाँ गाड़ी उठने का भी जगह नहीं, रास्ता नहीं। इसका लिखी शिकायत कहीं दिए हैं? हाँ दिए हैं, विधायक जी को दिए हैं, राजमंत्री। एक ग्रामीण के लिए अपना गांव छोड़ना बड़ी बात है। ऐसे में प्रशासन यदि तत्काल निर्णय नहीं लेती है तो बड़ी संख्या में लोगों को पलायन का दंश झेलना होगा। चंदन क्यारी से ब्योमकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।